आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मास एंड वेट। ठीक है, अब क्या मास और वेट ये दोनों में कुछ डिफरेंस है? यस, देर इज अ ह्यूज डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, मास क्या है? मास इज नथिंग बट टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी, मतलब माय हेयर्स, माय ऑर्गन्स, टीथ, देन नेल्स, बोन्स, ब्लड, एवरीथिंग इज अ कंटेंट ऑफ माय बॉडी। ऑल दिस विल मेक अप माय मास। ये डस्टर अगर मैं ले लूँ तो इसके अंदर वुड है और इसके आगे जो है कुछ सॉफ्ट स्पंज जैसा है, तो ये दोनों भी मिलाकर यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वुड एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस स्पंज, ये क्या बना रही है? द मास ऑफ द डस्टर। तो हर एक ऑब्जेक्ट किसी ना किसी चीज़ के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, किसी ना किसी मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और वो मॉलिक्यूल्स जितने उसके अंदर प्रेजेंट है वो टोटल उसका मास बनाते हैं। नाउ कम टू द वेट। वेट क्या है? देखो, अब मिसाल के तौर पे दिस इज अ जुपिटर, ये एक प्लैनेट है जो लार्ज इन साइज है एज कंपेयर टू आवर अर्थ, और हमारे अर्थ का सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? नेचुरल सैटेलाइट, उसका नाम क्या है? मून। ठीक है, अगर आप देखोगे ये तीनों के साइज में डिफरेंस है। ठीक है, अब सपोज करो कोई एक इंसान है जिसका अर्थ के ऊपर कितना वेट है, उसका वेट है 100, कितना है 100। अगर वो जुपिटर पे चले जाए तो अप्रोक्सीमेटली उसका 250 या हो सकता है कि 300 तक का उसका जो है वेट हम लोगों को नज़र आएगा। दैट पर्सन हैज़ नॉट चेंज फिजिकली, वो कुछ चेंज नहीं हुआ, तो उसका वेट कहाँ से बढ़ गया? और वही इंसान कुछ देर बाद अगर मून पर आ गया तो उसका जो वेट हो गया वो हो गया 16 point something हो गया। क्यों ऐसा डिफरेंस आया? बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि ग्रेविटी का मतलब होता है क्या, ये एक वर्ड से आया जिसका नाम है ग्रेविस, और ग्रेविस का मतलब होता है क्या, हैवीनेस। यानी कि जिस किसी भी प्लैनेट का या कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज़्यादा है, ठीक है, वो उतना ज़्यादा उसकी ग्रेविटी फील होगी। जुपिटर देखिए, ये ज़्यादा बड़ा है, डेफिनेटली इसका मास भी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर ग्रेविटी ज़्यादा रहेगी। जब ग्रेविटी ज़्यादा रहती है तो आपका वेट भी ज़्यादा हो जाता है। अर्थ एज कम्पेयर टू जुपिटर थोड़ा छोटा है, वो छोटा है तो इसके लिए उसके ऊपर थोड़ा कम हम लोगों को वेट पता चल रहा है। जुपिटर पे अप्रोक्सीमेटली 250 या 30 हम लोगों को वेट पता चल रहा था, और वो जैसा अर्थ पे है तो 100 पता चल रहा है, जैसा मून पे है तो 16 पता चल रहा है। इंसान में कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसके अंदर का जो मास है MASS, मास जो है वो कांस्टेंट है, मगर वेट क्या है, इट एक्चुअली चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी। कौन से प्लैनेट पे है उसकी ग्रेविटी के हिसाब से उसका वेट जो है कम या ज़्यादा होता है। ज़्यादा ग्रेविटी ज़्यादा वेट, ज़्यादा वेट कब होगा, जब इसकी ग्रेविटी ज़्यादा रहेगी, वेट कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी ग्रेविटी एज कम्पेयर टू जुपिटर कम है, इधर पे वेट कम। वेट जो है ये ग्रेविटी पे डिपेंड है, और ग्रेविटी का कोई एक डायरेक्शन होता है। यहाँ पर अगर कोई चीज़ है उसका कोई सर्टन वेट है, 100 का वेट है, तो वेट का कोई डायरेक्शन होता है? यस, होता है। क्या होता है वो? टूवर्ड्स द कोर ऑफ द प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट हो सकता है वो। यानी कि वेट इज हैविंग अ डायरेक्शन, वेट इज हैविंग अ डायरेक्शन, और डायरेक्शन जिस चीज़ को होता है उसको बोलते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन कहाँ पर है? टूवर्ड्स द कोर ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट के कोर की तरफ है। और जब कभी भी डायरेक्शन किसी भी चीज़ का डायरेक्शन रहता है उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, जबकि मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता, मास खाली हमारा टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी है, तो ऐसे इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसे इसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो मास इज नथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी।
एंड वेट, वेट इज नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखिए ठीक है। तो ये हो जाता है वेट एंड मास के बीच में डिफरेंस। मास विल नेवर चेंज, चाहे आप कोई भी प्लैनेट पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, अर्थ पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, देयर विल बी नो चेंज इन द मास, बट वेट एज इट इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रेविटी। तो डिपेंड करता है कि कितने बड़े प्लैनेट पे आप जा रहे हो उतना ज़्यादा वेट बढ़ेगा, जितना छोटे प्लैनेट पे आ रहे हो उतना वेट आपका कम होता जाएगा, लेकिन मास विल रिमेन द सेम, मास विल नेवर चेंज, मास विल रिमेन द सेम। तो जस्ट नाउ वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट। मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, लेकिन वेट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी, ठीक है। लेकिन तो वेट क्या है, ये डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी इज नथिंग बट अ फोर्स। कैसा फोर्स, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये उसका कोर है, अर्थ का कोर है, अर्थ जो है एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, और वो फोर्स उसको कहाँ खींच रहा है, टूवर्ड्स द कोर ऑफ द अर्थ। तो फोर्स आया कि नहीं, यस। जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा वेट, जितना कम फोर्स उतना कम वेट। इन शॉर्ट वेट इज इक्वल टू फोर्स। वी हैव फोर्स फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी इट इज एम जी नॉट एम ए। ये स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए हम लोगों ने स्मॉल ए को हटाकर स्मॉल जी लगा दिए। तो वेट का हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं। अब वेट को मैंने क्या बोला था, वेट इज नथिंग बट फोर्स, वी आर वेट इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। तो याद रखो वेट का भी एसआई यूनिट क्या है, इट इज नथिंग बट न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ वेट, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज इक्वल टू न्यूटन। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो एनीवे जस्ट समरी बोलता हूँ इस टॉपिक का, मास एंड वेट। मास इज टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी एंड मास नेवर चेंज, जहाँ पर भी हम कोई भी प्लैनेट में चले जाएं, मास जो है इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। एंड मास इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज मास डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। With respect to weight, weight is totally different as compared to mass. Weight क्या है, it depends on the force of gravity, ठीक है। तो इसीलिए depending upon the planet, अलग अलग planet पे हम लोगों को अलग अलग weight मिलेगा, और ये weight का एक direction है। Direction कहाँ पर है, towards the center of the planet. Anything is having a direction, that means it is a vector quantity. So weight is a vector quantity. Or weight is equal to force. जितना यानी कि जितना force जो है exert होगा, gravitational force exert होगा object पे, उतना ज़्यादा उसका weight रहेगा। तो उस base पे जब force का SI unit newton है, तो weight का भी SI unit न्यूटन रहेगा। ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। तो आई होप तुम लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्री फॉल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फ्री फॉल, यानी एकदम फ्रीली कोई चीज़ का गिरना, ठीक है। किस चीज़ से फ्री होने की ये बात हो रही है, कि क्या चीज़ से फ्री होकर ये गिर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग उसमें देखने वाले हैं। तो देखो फ्री फॉल को समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, अगर मेरा हाथ इस ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ता तो ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल एक्ट कर रहा है। लेकिन जब मैंने इसको होल्ड किया हूँ तो मैंने इस ग्रेविटेशनल पुल को ज़ीरो कर दिया हूँ, और इस पुल के अगेंस्ट में इसको पकड़ के रखा हूँ, ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट में इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा हूँ।
लेकिन जैसा ही मैं ये ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूँ, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। ये ऑब्जेक्ट जैसा नीचे गिरेगा, फ्रीली नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल, क्या इसको फ्री फॉल बोल सकते हैं? आंसर है नहीं। क्यों नहीं? तो याद रखो, फ्री फॉल के लिए दो कंडीशन मीट होनी चाहिए। एक क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करना चाहिए। मतलब क्या? ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही उस पर एक्ट करना चाहिए, कोई दूसरा फोर्स उस पर एक्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? तो ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन समझने के पहले ये पॉइंट को ज़रा अच्छे से समझते हैं। तो अगर मैं कोई चीज़ को ड्रॉप कर रहा हूँ, क्या ये फ्रीली गिर रहा है? लेकिन फ्री फॉल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ यहाँ के एरिया में जो भी एयर पार्टिकल्स है, वो उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग है कि वो नीचे गिर ही जाता है। तो क्या उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन एक्ट करी? नहीं, एयर पार्टिकल्स ने भी कुछ फोर्स उस पर एक्सर्ट किए। तो ये फ्री फॉल है? नहीं है। तो पहली कंडीशन यहाँ पर मीट नहीं होती है। अगर मैं इस रूम में ये ऑब्जेक्ट ड्रॉप करके फ्री फॉल के लिए सोचूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद अगर ये पॉइंट अगर अच्छे से समझ में आया, तो इससे निकलता है दूसरा पॉइंट। तो फिर फ्री फॉल होगा कहाँ? तो याद रखो, फ्री फॉल हमेशा होता है किधर? वैक्यूम में। तो फ्री फॉल हमेशा कहाँ होगा? हमेशा याद रखो, वैक्यूम में। वैक्यूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्योरली सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट करेगी और कोई दूसरी फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो उसको बोलते हैं, तब कहलाएगा वो फ्री फॉल। तो फ्री फॉल कंडीशन को लाने के लिए ये दो कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है कि उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल ही या ग्रेविटेशनल फोर्स ही उस पर अलोन एक्ट करना चाहिए। और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर अलोन एक्ट करता है? तो वो है वैक्यूम। वैक्यूम बोलते क्या? खाली जगह जहाँ पर एयर भी ना हो, उसको बोलेंगे वैक्यूम। आई होप तुमको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब फ्री फॉल से रिलेटेड 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस है, अब उसको देखते हैं। तो ये है 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस जो आपको 9th के चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों के लिए है, ठीक है। इसमें यहाँ पर देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय वी? वी इज़ नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी। जहाँ जहाँ आप लोगों को वी दिखाई दे रहा है, इट इज़ नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी? स्पीड अलॉन्ग विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। यू क्या है? इट इज़ अ इनिशियल वेलोसिटी यानी कि स्टार्टिंग वेलोसिटी, ठीक है। फिर उसके बाद एस क्या है? इट इज अ डिस्टेंस। एस क्या है? व्हाट इज द एस? एस इज नथिंग बट अ डिस्टेंस। ए, व्हाट डू मीन बाय ए? ए मीन्स एक्सेलरेशन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय टी? टी इज नथिंग बट टाइम। नाउ आपके यहाँ पर काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर फ्री फॉल, यहाँ पर ए इज बीन रिप्लेस्ड बाय जी, स्मॉल जी। और ये स्मॉल जी क्यों रिप्लेस हुआ है? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ की तरफ पुल हो रहा है, तो क्या हो रहा है? उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन को इसीलिए जी के साथ रिप्लेस कर दिए हैं, ठीक है। याद रखो, ये तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस, ठीक है, कैसे डिराइव हुए हैं, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, तो आप लोग वहाँ से देखना है इफ़ यू वांट टू नो कि हाउ डज ये वैल्यू हमको कहाँ से मिली है। 9th स्टैंडर्ड का है, इसलिए मैं अभी इसमें नहीं डिराइव कर रहा हूँ। अभी देखो, ये सपोज करो, ये वैक्यूम में ये एक ऑब्जेक्ट को मैंने पकड़ा हूँ और मैं इसको अभी ड्रॉप कर रहा हूँ। जब मैं इसको पकड़ के रखा हूँ, तो इसका यू जो है, यू मीन्स व्हाट? इनिशियल मीन्स व्हाट? स्टार्टिंग वेलोसिटी। कभी भी याद रखना, एट रेस्ट होती है ज़ीरो, कभी भी याद रखना, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो जब कभी भी मैं कोई चीज़ को अगर पकड़ के रखा हूँ, तो उसका यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो।
तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो डालूँ तो क्या हो जाएगा, इट इज़ जीरो प्लस जी टी विच विल गिव यू वी इज इक्वल टू जी टी। ये एक पहला वाला हो गया, ठीक है, यानी कि ये पहला वाला जो है इक्वेशन हो गया। दूसरा, एस इज इक्वल टू यू को मैंने ज़ीरो दिया इंटू टाइम, ये ज़ीरो हो गया, ठीक है, प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद ज़ीरो विल बी ज़ीरो, एस इज इक्वल टू, प्लस की साइन नहीं दिखाएंगे तो भी चलता है, हाफ जी टी स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और थर्ड वाला देखते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो स्क्वायर प्लस टू जी एस, एनीथिंग जो ज़ीरो रहा तो ज़ीरो का स्क्वायर क्या रहेगा, इट विल बी ज़ीरो, यहाँ पर लिखता हूँ मैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस साइन नहीं दिखाएंगे तो भी चलता है, टू जी एस। इफ़ आई वॉन्ट टू रिमूव दिस स्क्वायर तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको स्क्वायर रूट दे देता हूँ टू जी एस, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं अगर चाहे तो ये हो गया थर्ड। आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये स्टेप तक बताया है, ये स्टेप नहीं बताया, मगर जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको स्क्वायर की साइन हटाना है तो आप इधर पे अगर उसको इज इक्वल टू के यहाँ पर लाते हो इस साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाता है क्या, फ्री फॉल के थ्री काइनेमेटिक इक्वेशन। तो ये पूछ सकता है कि डिराइव, और ये पूछ सकता है कि डिराइव थ्री काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर फ्री फॉल। तो आपको बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जो होता है एट रेस्ट विल बी ज़ीरो, और जब u इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सारे u पे आपको डाल देना है ज़ीरो, तो आपको ऑटोमेटिकली ये डेरिवेशन मिल जाएगा। आई होप तुम लोगों को फ्री फॉल वाला पार्ट समझा है।